हेलो एवरीवन, मैं अल्पना अवस्थी शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये क्लास 7 में कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लास है। चैप्टर नंबर टू कंप्यूटर का इतिहास एवं पीढ़ियों का ये थर्ड वीडियो है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे ना। सेकंड जनरेशन पीढ़ी के या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के गुण, समय अंतराल, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1956 से 1966 तक है। मेन कंपोनेंट जो इस जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में यूज़ होता है वो है आपका ट्रांजिस्टर। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ होते थे? इनपुट डिवाइस में आपका MICR और OCR यूज़ होता था और आउटपुट डिवाइस में आपका CRT स्क्रीन है। डेटा स्टोरेज माध्यम, यानी कि हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा मीडियम यूज़ करते थे? मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिस्क। भाषा, सॉफ्टवेयर, असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में या सेकेंड जनरेशन में डेवलप हुई थी, इसीलिए सेकेंड जनरेशन इसीलिए हम लोग असेंबली भाषा को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के या द्वितीय पीढ़ी के जो गुण हैं, वो विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से हैं। ट्रांजिस्टर लगने के कारण ये कंप्यूटर जो हैं वो आकार में अपेक्षाकृत छोटे, हल्के तथा विश्वसनीय हो गए थे, क्योंकि ये हीट कम जनरेट, ये जो ट्रांजिस्टर युक्त जो कंप्यूटर थे वो हीट कम जो है वो एब्जॉर्ब जनरेट करते थे, और जब हीट कम जनरेट करते थे तो रिलायबल थे, और लेकिन ये महंगे फिर भी थे। ठीक है, ये कॉस्ट में एज़ कंपेयर फर्स्ट जनरेशन ये मतलब सस्ते थे, लेकिन वैसे ये बहुत ही महंगे कंप्यूटर थे। इनका मेंटेनेंस कॉस्ट, एसी वगैरह सब लगाना पड़ता था, इससे इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा था, पर ये कम विद्युत खपत वाले कंप्यूटर थे। इस जनरेशन के जो मुख्य कंप्यूटर वो ये इस प्रकार थे, IBM 4101 और RCA 501। इस तरह से और भी कंप्यूटर थे। अब आती है बारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो समय अंतराल है वो था 1966 टू 1977। इस जनरेशन में जो मेन कंपोनेंट यूज़ हुआ था उसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं IC। ये IC क्या होती हैं, पहले मैं आपको इन शॉर्ट ये बता दूं। IC इंटीग्रेट, जो ये जो आपके फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जो आपके एक कमरे के से भी बड़े बड़े आकार में कंप्यूटर होते थे, तो ये क्या क्या उस कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स थे उनको इस टेक्निक से बनाया गया कि वो बहुत ही छोटे, मतलब उनको इस टेक्निक से बनाया गया। वो जो टेक्निक थी वो कही जाती थी IC। ठीक है, ये सिलिकॉन बेस्ड IC थी, और इसमें अगर हम लोग ऐसे IC को सिंपल अगर देखेंगे तो चौकोर ब्लैक कलर की जनरली होती हैं, इसमें बहुत सारी पिंस होती हैं, तो अगर हम इनको तोड़ेंगे ऐसे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी कि इनका सर्किट इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो बहुत बड़ा जो सर्किट, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, वो एक सिंपल से IC में आ जाता था। तो इसका बेनिफिट ये हुआ था कि पहली बात तो ये बहुत कम पावर में, यानी कि बहुत ही कम बिजली की खपत में चलते थे, और ये हीट नहीं जनरेट करते थे, तो और आकार में भी बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका बेनिफिट था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में इनमें कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की तरह यूज़ होता था, मॉनिटर और प्रिंटर एज अ आउटपुट डिवाइस यूज़ होता था। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में, इसमें भी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में इनमें मैग्नेटिक टेप और आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये डिवाइसेस आपके यूज़ होने लगी थी। सॉफ्टवेयर में इसमें थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हो गई थी, और बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो थर्ड जनरेशन में आ गई थी, जैसे आपका बेसिक, कोबोल, लिस्प, और इसी तरह से फोटोन आदि बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। विशेषता क्या थी इनकी? जैसे मैंने पहले बताया कि आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटे थे, हो गए थे, हल्के थे, विश्वसनीय थे, कम हीट जनरेट करने वाले हो गए थे, कम विद्युत खपत वाले कंप्यूटर थे, अपेक्षाकृत सस्ते थे। ठीक है बच्चों, ये अपेक्षाकृत सस्ते थे। अब जो कंप्यूटर बनाए जाते थे वो जनरल पर्पस, यानी कि उनको सामान्य प्रयोग में भी हम लोग ला सकते थे,
वरना जो पहले कंप्यूटर थे वो साइंटिफिक पर्पज़ से या डिफेंस में यूज़ होते थे, जनरल पर्पज़ में मतलब सामान घर में या स्कूल में हम लोग उनको यूज़ नहीं कर सकते थे। मुख्य इसमें जो मेन कंप्यूटर्स हैं वो कौन कौन से थे, IBM 360, एप्पल 1, ICL 1900 एक्सेट्रा, इस तरह से और भी बहुत कंप्यूटर थे। बच्चों अगली वीडियो में हम लोग फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।